ईश्वर का परम भक्त खुश था, प्रसन्न था, नाच नाच कर प्रभु की महिमा और उसकी स्तुति करता था। पर आंखों की अभिलाषा में फंसकर अपनी शारीरिक लालसा को पूरी करने के लिए निर्दोष व्यक्ति का हत्यारा बन गया। जीवन में ऐसा कष्ट आया कि गली गली फिरने लगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पवित्र आत्मा शारीरिक लालसा के प्रतिकूल प्रभाव की जानकारी देने वाला है, ताकि मनुष्य नर्क की आग में जाने से बच सके। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। दोस्तों, दाऊद के पुत्र अबशालोम ने राजद्रोह करके राजा दाऊद की धन संपत्ति, पत्नी और राज्यपाट सब छीन लिया। वो घर से बेघर हो गया, गली गली भटकने लगा। राजा साउल का कुटुंबी, जिसका नाम सिमी था, उसने भी दाऊद पर उपद्रव किया। उसे और उसके साथियों को पत्थरों से मारने लगा, श्राप देने और कोसने लगा। दाऊद के साथी क्रोधित हुए, पर परमेश्वर के परम भक्त ने उन्हें समझाकर उनके क्रोध को शांत कर दिया। सामुएल की दूसरी पुस्तक उसके 16 अध्याय का 11 पद राजा दाऊद के असीम दुख और उसके पश्चाताप का वर्णन करता है। वो अंदर से टूट चुका था, क्योंकि जानता था कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार वो खुद है। अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी आंखों की अभिलाषा ने गर्भवती होकर उस पाप को जन्म दिया है, जिस पाप ने उसे टुकड़ों का भिखारी बना दिया। आप कल्पना करें, एक राजा के लिए इस स्थिति से गुजरना कितना दर्दनाक रहा होगा। दोस्तों, वो परमेश्वर का परम भक्त था, अनंत मृत्यु की पीड़ा को अच्छी तरह पहचानता था, इसलिए पश्चाताप की यह पीड़ा उसे अनंत मृत्यु की पीड़ा से ज्यादा सहज जान पड़ रही थी। जकरिया की पुस्तक उसके 13 अध्याय के 7 पद में लिखे वचन के अनुसार, चरवाहे को शैतान ने शारीरिक लालसा में फंसाकर ऐसा मारा कि भेड़े तितर बितर हो गई। दोस्तों, शैतान सबसे ज्यादा यह प्रयास करता है कि अगुओं को आंखों की अभिलाषा में फंसाकर उन्हें शारीरिक लालसा का शिकार बना दे। नीति वचन की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 32 पद में लिखा है, इस पाप में वही फंसता है जो बेवकूफ होता है। अगुए इस वचन को अच्छी तरह जानते हैं, इसके बावजूद भी वे मूर्खता भरे इस कार्य को कर रहे हैं और इस भयंकर पाप के शिकार बन रहे हैं, और उनकी हालत भी राजा दाऊद की तरह होती जा रही है। मैं कई ऐसे पासवानों को जानता हूं जिनके हाथों से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य बहती थी, पर आज उनके पास प्रार्थनाएं करवाने भी लोग नहीं आते। दोस्तों, उनके जीवन में कष्ट आया क्योंकि शारीरिक लालसा को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया। शैतान के शिकार बने यदि वे भी राजा दाऊद की तरह पश्चाताप कर लें, तो निश्चय अनंत दंड को भोगने से बच सकते हैं। जीवन में कष्ट लाकर परमेश्वर उन्हें वापस अपने पास आने का मौका देता है। जो राजा दाऊद की तरह वापस आ जाता है, वो पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लेता है। सो इस अध्ययन में पवित्र आत्मा सिखाना चाहता है कि शारीरिक लालसाएं जीवन में कष्ट लाती हैं, मनुष्य की आत्मा को नर्क का भागीदार बनाती हैं। सो जब ये लालसाएं उत्पन्न हो, अपने जीवन साथी का सहयोग ले। अविवाहित अपने शरीर को परमेश्वर के वचन से मार कूट कर अपने वश में रखें। याद रखें, जो इन लालसाओं से बचा रहेगा वही स्वर्ग जाकर प्रभु की महिमा स्तुति करने पाएगा। उसकी आत्मा ही अनंत विश्राम को प्राप्त करने पाएगी।